आज हम आपको एक नॉर्मल सलवार कटिंग करना दिखाएंगे। इसकी फिटिंग जो है सभी साइज़ में बहुत कंफर्टेबल रहती है। साइज़ चाहे कोई भी हो, सभी साइज़ में ये बहुत कंफर्टेबल रहती है। इसकी फिटिंग, इसका मेजरमेंट देखिए, लंबाई है 39 इंच, मोहरी है 15 इंच, बेल्ट बॉक्स है 21 इंच और आसन हम इसमें रखेंगे 13.5 इंच। सबसे पहले कपड़े को 4 लेयर में फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर थोड़ा कट करके इसको लेवल कर लेंगे। यहाँ 1/2 इंच पर एक मार्क लगाएंगे। अब सलवार की लंबाई का मार्क लगाएंगे और बेल्ट बॉक्स हम यहाँ पर 6 इंच रख रहे हैं, तो हम 6 इंच को लेस करके सलवार की लंबाई का मार्क लगाएंगे। लंबाई थी इसकी 39 इंच, तो 39 इंच पर एक मार्क लगाएंगे और 1.5 इंच फोल्डिंग के लिए। अब मोहरी का माप लगाएंगे। मोहरी थी इसकी 15 इंच, तो 7.5 इंच पर एक मार्क लगाएंगे और 1/4 इंच पर एक मार्क लगाएंगे। अब यहाँ आसन का माप लगाते हैं। 6 इंच बेल्ट बॉक्स के लेस करते हुए हम यहाँ पर 13.5 इंच पर मार्क लगा रहे हैं आसन का। अब यहाँ गोलाई देने के लिए 2 इंच पर एक मार्क लगाएंगे और एक मार्क हम लगाएंगे 5 इंच पर। इस मार्क से सलवार के मोहरी के माप तक बिल्कुल स्ट्रेट मिलाएंगे। अब यहां से 14 इंच पर एक मार्क लगाएंगे। अगर आपकी लंबाई ज्यादा है तो आप 15 इंच पर भी मार्क लगा सकते हैं। अब इस मार्क से ऊपर तक थोड़ा सा शेप देते हुए मार्क करेंगे। यही मेन मार्क है इस सलवार में। इस तरह से आप किसी भी साइज़ की सलवार बनाएंगे तो वो बहुत कंफर्टेबल रहती है। चाहे साइज़ बड़ा हो छोटा हो, सभी के लिए ये बहुत कंफर्टेबल रहेगी। अब यहाँ पर 2 इंच पर जो गोलाई देने के लिए मार्क लगाया था उसको स्ट्रेट करेंगे और यहाँ पर गोलाई देंगे, तो मार्क कंप्लीट हुआ। आप कटिंग करेंगे। अब बेल्ट बॉक्स कटिंग करेंगे। इसकी जो चौड़ाई थी वो थी 21 इंच, तो 21 इंच पर एक मार्क लगाएंगे और ये 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन। अब बेल्ट की लंबाई का मार्क लगाएंगे। बेल्ट की लंबाई हमने 6 इंच रखी थी, तो 2 इंच और एक्स्ट्रा ऐड करके 8 इंच पर मार्क लगाएंगे। तो यहाँ आकर अब इसकी कटिंग कंप्लीट होती है। अगर आपने हमारे दूसरे चैनल शाइन नेचुरल ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दिया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।